गुड आफ्टरनून। टॉपिक है अपना प्लांट रेस्पिरेशन, यानी कि प्लांट ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन। इन प्लांट रेस्पिरेशन मोस्टली व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड सबस्ट्रेट ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन एरोबिक एंड एनएरोबिक, एंड एरोबिक एंड एन और एरोबिक, सो ईच अदर द रिलेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन एंड मैकेनिज्म इन रेस्पिरेशन। सो इन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, इन साइटोप्लाज्म, इन क्रेब्स साइकिल, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ईटीएस सिस्टम, इन F1 पार्टिकल्स एंड बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। सो इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड RQ रेस्पिरेशन क्वांटिटीज अपन देखते हैं। सो ये अपन इस टॉपिक्स के अंदर देखेंगे कि प्लांट रेस्पिरेशन मींस, यानी कि रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इज ए ऑक्सीडेटिव एंड एक्सोथर्मिक एंड एम्फीबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन मींस इन प्लांट रेस्पिरेशन इज ए ऑक्सीडेटिव मींस ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन लार्ज ऑर्गेनिक मेटेरियल्स ब्रेक डाउन टू सिंपल इनऑर्गेनिक मेटेरियल। सो इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन ऑफ मेनी स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इज दिस मेनी स्टेप, सो द एम्फीबॉलिक रिएक्शन एंड रिलीज द ऑक्सीजन। सो ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो रेस्पिरेशन इज ए ऑक्सीडेटिव एक्सोथर्मिक एम्फीबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन मीन इट इज प्रोसेस। सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स CO2 एंड H2O ब्रेक डाउन, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स मेनली इज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हेक्सो सुगर। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस CO2 एंड H2O थ्रू ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन इन ऑल लिविंग सेल, इन ऑल लिविंग सेल. सो इन दिस नॉन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज ए ऑक्सीडेटिव रिएक्शन. मीन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पार्ट. सो दिस ब्रेक डाउन, कॉम्प्लेक्स पार्ट ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पार्ट मीन इज कैटाबॉलिक रिएक्शन. एंड सिंपल इनऑर्गेनिक थ्रू द ऑक्सीडेशन इन ऑल लिविंग सेल, इन ऑल लिविंग सेल मीन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी. सो इन दिस सेल ऑफ इन प्रोसेस ऑफ इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैटाबॉलिक एम्फीबॉलिक रिएक्शन इन द प्लांट रेस्पिरेशन. मीन इज व्हाट इज रेस्पिरेशन. सो इज द रेस्पिरेशन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज, मेनली इन प्राइमरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन टू द स्मॉल सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस CO2 एंड H2O थ्रू ऑक्सीडेशन इन ऑल लिविंग सेल एंड रिलीज टू एनर्जी. सो इज नॉन सेलुलर, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड डार्क रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन एंड टिश्यू रेस्पिरेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन. सो दिस द रेस्पिरेशन. व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज ए ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एम्फीबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन. व्हाट इज रेस्पिरेशन? सो इज रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस CO2 एंड H2O थ्रू ऑक्सीडेशन इन लिविंग सेल एंड रिलीज ऑफ एनर्जी. सो इज नॉन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड डार्क रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन एंड टिश्यू रेस्पिरेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन. इन लिविंग प्लांट एंड लिविंग एनिमल्स रेस्पिरेशन ऑकर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म. सो इन दिस रिएक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन, रिएक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन, सो C6H12O6 इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस. ऑक्सीडेशन प्रेजेंट टू O2,
एंड प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड इन विच ऑकर साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड कन्वर्ट द स्मॉल सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी मीन एनर्जी 38 ATP या 686 किलो कैलोरी सो इन द इन फूड प्लांट रेस्पिरेशन इज प्लांट रेस्पिरेशन C6H2 यानी कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन होता है कहां पर इन साइटोप्लाज्म मीन इन ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया मीन इन क्रेब साइकिल एंड ETS सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया F1 पार्टिकल्स इन ऑक्सीसोम सो 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी इन 38 ATP के बराबर इसमें वन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स सो लिब्रेशन ऑफ द एनर्जी इन 38 ATP दिस दाइन रेस्पिरेशन अब हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट ऑफ द रेस्पिरेशन Mainly, substrate of the respiration is first is carbohydrate. And second, fat, and third, protein. Carbohydrate is a main and primary substrate. Carbohydrate is a main and primary respiratory substrate. ठीक है यानी कि फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन रेस्पिरेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मीन रेस्पिरेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट are called cellular respiration तो only बोलते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दोनों का रेस्पिरेशन होता है सो आर नॉन फ्लोटिंग respiration and oxidation of protein and oxidation of protein is called protoplasmic
प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन यानी कि नॉर्मली फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट एंड द कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी, सो ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट. सो इज दिस कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. इन लास्ट ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन ड्यूरिंग द स्कारवेशन एंड स्कारवेशन एंड डिजीज. यानी कि प्रोटीन का नॉर्मली, प्रोटीन का नॉर्मली नॉट ऑक्सीडेशन इन बॉडी, बट इन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग द स्कारवेशन एंड ड्यूरिंग द डिजीज, ड्यूरिंग द डिजीज, सो द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. अपन टीच कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. सो इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन में व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन इज ए एम्फीबॉलिक रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन. इन रिएक्शन ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट द सिंपल स्मॉल इनऑर्गेनिक मटेरियल, सो CO2 एंड H2O, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी थ्रू द ऑक्सीडेशन इन लिविंग सेल एंड रिलीज द एनर्जी, रिलीज द एनर्जी, सो इज कैटाबॉलिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इन रेस्पिरेशन, दिस रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन इंटरनल लिविंग सेल, ऑल लिविंग सेल, सो इन सेलुलर रेस्पिरेशन, नॉट रिक्वायर ऑफ द लाइट, सो इज द डार्क रेस्पिरेशन, एंड इज टिश्यू रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन. एंड सबस्ट्रेट के अंदर मेन थ्री सबस्ट्रेट इन रेस्पिरेशन, फर्स्ट एंड मेन सबस्ट्रेट इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड फैट. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रेस्पिरेशन यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो नोन ऑफ फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. एंड ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. एंड लास्ट टाइम ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग द स्कारवेशन एंड सम डिजीज, सो इन द सबस्टेट ऑफ रेस्पिरेशन. अपन नॉर्मली देखते हैं कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, सो मेनली टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, मेनली टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन इन फर्मेंटेशन, बट इज नॉट रेस्पिरेशन, नॉट रेस्पिरेशन. एंड टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज, फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड
एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन एरोबिक कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन ऑल लिविंग सेल। इन एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज द एनर्जी इज मैक्सिमम कंपेयरली एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन एरोबिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन रिलीज ऑफ एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। सो इन दिस द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, नॉट इज कंप्लीटेशन, इन कंप्लीट इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, इन रेस्पिरेशन फॉर्म ऑफ एथिल अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड मीन इसके अंदर क्या हुआ, इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। सो ऑफ द फूड इन रेस्पिरेशन फॉर्म ऑफ द एथिल अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड रिलीज ऑफ एनर्जी मिनिमम। सो इज टू एटीपी मीन्स 21 किलो कैलोरी यानी कि 2 ATP। इनकंप्लीट रेस्पिरेशन
incomplete respiration occur only cytoplasm. Only cytoplasm in anaerobic respiration mainly present of bacteria and fungi. Mainly present present of bacteria and fungi. Bacteria and fungi and anaerobic respiration respiration in human only RBC and muscles. And muscles in incomplete oxidation of germination of seed germination of seeds. अंकुरित यानी कि जो germinated seed होते हैं, so presence of incomplete oxidation, in a complete oxidation and incomplete oxidation yeast, fungi, bacteria and germination of seed. And 6O2H12O2 not presence of oxygen, so the enzyme and only cytoplasm. So two molecules of ethyl alcohol plus two molecule of CO2 plus 21 kilocalorie energy, yani ki 2 ATP in anaerobic respiration, in anaerobic respiration. ठीक है, अब अपन देखते हैं कि एनोरबिनिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर रिलेशन क्या है, इन मैकेनिज्म सो रिलेशन ऑफ aerobic and anaerobic respiration. First में अपन देखते हैं कि is respiratory substrate. एक इसमें अपन point क्या रखें कि normally carbohydrate and fat respiration also known as floating respiration and protein respiration and protoplasmic respiration. Then एक बार question इसमें दिया गया था exam में कि during the seed germination,
ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन इन लेग्यूम प्लांट्स इन लेग्यूम प्लांट्स सो नॉन ऑफ फ्लोटिंग रेस्पिरेशन यानी इसको अपन एक नोट लगा करके भी अपन नोट कर सकते हैं. नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट नॉन इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बट द प्रोटीन रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन इन लेग्यूम सीड ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन सो नॉन इज रेस्पिरेशन यानी कि नॉन इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. टोटल प्लांट किंगडम के अंदर ये केवल एक एक्सेप्शन है. मीन प्रोटीन रेस्पिरेशन इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. कार्बोहाइड्रेट फैट रेस्पिरेशन इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बट इन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन इन लेग्यूम सीड्स ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन सो द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ द फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. ठीक. नेक्स्ट इसमें देखें अपन रिलेशन ऑफ एरोबिक एंड एनएरोबिक रिएक्शन में. सो फर्स्ट में अपन देखते हैं कि सबस्ट्रेट यानी कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सो इन C6H12O6 सो इन कॉमन रिएक्शन मीन प्रेजेंस ऑफ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन साइटोप्लाज्म. सो प्रोसेस ऑफ यानी कि थ्रू ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म यानी ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि बिटवीन लिंक ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन सो फॉर्म्ड द पाइरूविक एसिड पाइरूविक एसिड डिवाइड बाई टू पार्ट. एक तरफ अपन देखते हैं कि
एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो पाइरुविक एसिड डिवाइडेड टू एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, एथिल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड एंड प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए। सो इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए convert from Krebs cycle in mitochondria. So convert of the CO2 H2 and release the energy. Convert the CO2 plus H2O and release the energy. So the relation of anaerobic and aerobic respiration means respiratory substrate is glucose, first respiratory substrate. So through of the glycolysis, presence of the oxygen and absence of the oxygen, yani ki aerobic and anaerobic respiration in cytoplasm ke andar a reaction hoti hai, and product of the pyruvic acid convert ka absent of the oxygen, so the ethyl alcohol and lactic acid, and presence of the oxygen means aerobic respiration. So in mitochondria oxidative decarboxylation, यानी oxidation होता है और CO2 release होती है इस point के ऊपर. So formation of acetyl coenzyme A, pyruvic acid 3 carbons का होता है, acetyl coenzyme 2 carbon का होता है, यानी कि रिलीज द CO2, सो इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन। NADPH2 के फॉर्म के अंदर अपन को रिलीज का भी फॉर्मेशन होता है, सो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन हुआ। एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम क्रेब साइकिल के अंदर एंटर इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड react the oxaloacetic acid, so formation of the citric acid. So many step in Krebs cycle, in last product of CO2 H2O and release the energy in mitochondria of matrix present in Krebs cycle. So last product of the CO2 H2O and release the energy. अब अपन इसके अंदर देखते हैं कि mainly mechanism of the respiration,
मैकेनिज्म mechanism of the respiration इसके अंदर अपन मेनली थ्री स्टेप्स के अंदर अपन देखेंगे, यानी कि थ्री स्टेप इन रेस्पिरेशन, एंड फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस एंड सेकेंड क्रेब्स साइकिल, एंड थर्ड ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन फर्स्ट इन ग्लाइकोलाइसिस ईएमपी पाद पे, नॉनेज ईएमपी पाद पे इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो फॉर्मेशन एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड, सो नॉन इज रिएक्शन एमडेन ईएमपी, ईएमपी पाथ पे यानी थ्री साइंटिस्ट जो इस साइक्लिक को उन्होंने डिस्कवरी की थी, सो इज ईएमपी पाथ पे, एंड क्रेब्स साइकिल प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हेंस क्रेब डिस्कवर बाय द हेंस क्रेब, एंड ईटीएस सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंस ऑफ इन माइटोकॉन्ड्रिया F1 पार्टिकल्स, सो मैकेनिज्म को अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। थैंक यू।